हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ 7.3 नंबर का हेयर कलर स्ट्रिक्स का विथ प्री लाइटनिंग। तो जिसके लिए आपको चाहिए होगा डेवलपर 20 वॉल्यूम्स का एंड प्री लाइटनिंग पाउडर। और ये है हमारा, आप देख सकते हैं, हेयर कलर एंड क्रीम ऑर्गन सीक्रेट्स सिलिकॉन एक्टिव सिस्टम। और इसका नंबर है गोल्डन ब्लॉन्ड 7.3। अगर आपको इसको डायरेक्ट करेंगे तो ये प्रॉपर कलर नहीं देगा, बट अगर आप प्री लाइटनिंग के साथ करेंगे तो आपको इसका प्रॉपर कलर मिलेगा। 7.3 नंबर पे जाएगा ये, ठीक है। तो मैं आगे आपको बताती हूँ। तो ये प्रोडक्ट की मैंने आपको डिटेल में नॉलेज दे दी है, आप देख सकते हैं। और ये आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं या फिर आप ऑफलाइन मार्केट से परचेस कर सकते हैं। अब मैंने इसको प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ हेयर्स, ह्यूमन हेयर्स लिए हैं विद एल्यूमिनियम फॉइल एंड एक बाउल लिया है और एक ब्रश लिया है। अब मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ, तो आगे देखते हैं क्या करते हैं। हम लेंगे इसमें ब्लीचिंग पाउडर, एक ढक्कन। एक्चुअली मेरे को थोड़े से ही बाल में करना है तो इसलिए मैं थोड़ा कम ही पाउडर ले रही हूँ, अदरवाइज ये वेस्ट हो जाएगा। इसमें लेंगे हम थोड़ा सा डेवलपर 1:1 के रेशियो में। इसको हम बहुत अच्छे से मिक्सअप करेंगे। आई थिंक डेवलपर थोड़ा कम ही लग रहा है, थोड़ा सा बढ़ा देंगे। आपको ज़्यादा वर्क करने के लिए ग्लव्स का यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत हार्श केमिकल होते हैं, आपके हाथों में कट भी सकता है। ये अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है दोनों को और अब इसको इस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। इस तरीके से अप्लाई करेंगे। और इसको इस तरीके से रैप कर देंगे। इसको हम 20 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद चेक करेंगे इसका प्री लाइटनिंग कलर किस तरीके का आया है, किस कलर पे ये लिफ्ट हुआ है। अगर ये थोड़ा कम होगा तो थोड़ा टाइम और देंगे। ये देखिए 40 मिनट्स के बाद हम अपने रिलाइटनिंग हेयर्स को चेक करेंगे। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कलर आ गया है। ये देखिए, ये 40 मिनट्स के बाद का है, ये प्री लाइटनिंग हुई है। अगर इससे ज़्यादा आपको लेना है तो और छोड़ दीजिए, तो और अच्छे से कलर आ जाएगा। तो इसी पे हमें 7.3 नंबर चाहिए, तो इस पे हमारा 7.3 नंबर आराम से चला जाएगा। तो इसको हम यहीं पे वॉश कर देते हैं, वॉश करके फिर हम आपको इसको ड्राई करके दिखाते हैं। तो आप देख लीजिए, ये प्री लाइटनिंग किए हुए हेयर्स हैं, अभी इस पे कलर डिपॉजिट नहीं किया है। डिपॉजिट करने पर थोड़ा सा कलर चेंज होगा। एक्चुअल में ये गोल्डन है, बहुत ज़्यादा प्यारा शाइनी गोल्डन है, आप देख सकते हैं। ये ह्यूमन हेयर्स में कहीं कहीं मेहंदी हिना किया हुआ कोटेड है, तो इस वजह से यहाँ पे देखो अच्छे से नहीं हुआ है,
प्री लाइटनिंग, थोड़ा सा कलर फेड हुआ है ना, लेकिन यहाँ बहुत अच्छे से ऊपर साइड, क्योंकि जब हम मेहंदी लगाते हैं ना तो वो नीचे उतर जाती है, तो सेम ये देखिए नीचे थोड़ा सा कलर डल है लेकिन यहाँ एकदम क्लियर है। प्री लाइटिंग हो चुकी है, प्री लाइटनिंग के बाद हम कलर डिपॉजिट करने जा रहे हैं, तो हम आपको बताते हैं। अब कलर डिपॉजिट करने के लिए हमें डेवलपर और कलर ट्यूब्स का यूज़ करेंगे, ये दोनों, ये देखिए। इसके लिए हमें करना क्या है, जो हमारा कलर ट्यूब है इसको लेना है। एक्चुअली जो हमारे हेयर्स हैं वो बहुत ही कम हैं, तो थोड़ी सी क्वांटिटी में ट्यूब लेंगे, इतने में हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि हम आपको टेस्टिंग करके दिखा रहे हैं ना कि ओरिजिनल हेयर में। तो आप देखिए मैंने डेवलपर भी उतना ही लिया, 1:1 का रेशियो होता है, अगर थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो चलता है, कोई इशू नहीं। इसको अच्छे से हम मिक्सअप कर लेंगे। तो ये मैंने दोनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और हमारे जो प्री लाइटनिंग्स हेयर हैं इनको हम इसी में डाल देंगे, क्योंकि हमारे को इतने ही बालों पे कलर करना है। ओके, तो ये मैंने इनको अच्छे से कलर में डिप कर दिया, बालों में ही तो कलर करना है ना, अलग से फॉइल लगाने से अच्छा इसी में हमने डिप कर दिया। चलिए इसको हम 20 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर हम आपको बताते हैं इसका कलर कैसा आएगा। ये जो 20 मिनट्स हो चुके हैं इस कलर को लगाए हुए, अगर हम चाहें थोड़ा और रुक सकते हैं, अदरवाइज़ इसको वॉश कर सकते हैं, क्योंकि प्री लाइटनिंग हेयर्स में ज़्यादा टाइम के लिए कलर डिपॉजिट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर सिंगल यूज़ कर रहे हैं ओनली कलर का डायरेक्ट, तो उसमें ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है, तो हम इसको वॉश कर सकते हैं। ठीक है, इस पर कलर हमारा आ गया है जो भी आना था, क्योंकि 7.3 नंबर ही अपने आप में एक गोल्डन होता है, तो प्री लाइटनिंग में भी गोल्डन था, तो टेक्सचर उतना चेंज होने वाला नहीं है। एक्चुअली हेयर्स को स्मूथ करने के लिए हमने ये डिपॉजिट किया है, हम चाहते तो इसको छोड़ भी सकते थे, लेकिन हमारे जो हेयर्स हैं बहुत ज़्यादा रफ हो जाएंगे, इसलिए कलर्स डिपॉजिट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये कलर डिपॉजिट होने के बाद का रिज़ल्ट है, आप देख सकते हैं सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें हेयर्स की क्वालिटी टेक्सचर थोड़ा चेंज हो गया है, पहले हार्ड था लेकिन अब स्मूथ हो गए हैं हेयर्स, आप देख सकते हैं कितने शाइनी हेयर हो रखे हैं। तो इसी तरीके से हम प्री लाइटनिंग के बाद 7.3 नंबर गोल्डन ब्लॉन्ड कलर जो है, ब्लॉन्ड गोल्डन कलर जो है, उसको आप अप्लाई करके 7.3 नंबर का एक्चुअल कलर ले सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करोगे तो इस तरीके से आएंगे, देखो ये ब्लैकिश पे किया था लेकिन ये 4 नंबर का हेयर आया है, इसमें 4 नंबर का कलर निकल के आया है, देखिए ये ब्लैक से डार्क ब्राउन हुआ है लेकिन ये देखिए गोल्डन में कन्वर्ट हुआ है। तो इसी तरीके से आप 7.3 नंबर अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो ये कलर मिलेगा, अगर आप प्री लाइटनिंग के बाद करेंगे तो ये मिलेगा। तो आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चाहिए, मैंने आपको सही मेथड बता दिया है कलर करने का, तो आप इसी तरीके से कर सकते हो, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है।